आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक अपना पूरा पीवाईक्यू सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर आपसे आयुपैक नेम की बात कर रहा है, तो आपको ये आइडिया अच्छे से होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड का यदि आप आयुपैक नेम करते हो तो उसमें तीन स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन रूल, दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग रूल और तीसरा स्टेप होता है PWS। PWS इन तीनों ही स्टेप को लगाकर आप किसी भी कंपाउंड की आयुपैक नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो ये आपके पास एक कैसा कंपाउंड है, एक क्लोज चेन कंपाउंड है। तो क्लोज चेन कंपाउंड में हमेशा आपको ये पता करना होता है कि जो उसका ओपन चेन पार्ट है और जो क्लोज चेन पार्ट है उसमें से मेन पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है। तो आपको पता है यहाँ पर आपको क्लोज चेन में चार कार्बन दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपके पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन। और बाकी जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, साइड चेन। ये है आपके पास मेन पेरेंट कार्बन चेन और बाकी सब क्या है आपके पास, साइड चेन। इतनी बात समझ में आ रखी है। अब आपको यहाँ पर नंबरिंग रूल लगाना है। तो देखो नंबरिंग रूल लगाते समय हमें यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है लोएस्ट लोकेंट सेट। लोएस्ट लोकेंट सेट मिलना चाहिए। तो लोएस्ट लोकेंट सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर दो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक साथ लगे हुए हैं, यहाँ पर वन हो जाएगा। अब फिर आप कहीं पर भी 2, 3, 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ पर, 3 और यहाँ पर, 4। तो अगर इसका आप नाम लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, देखो 1, 1 सबसे पहले आ जाएगा आपके पास, 1, 1 फिर आ जाएगा आपके पास डाइमिथाइल, 1, 1 डाइमिथाइल, फिर आ जाएगा मतलब सारे ही मिथाइल हैं। तो एक तरीके से अगर इसका नाम हम एक साथ करना चाहें तो आसानी से हो जाएगा। देखो 1, 1 पे है, फिर 2 पर है, फिर 3 पर है, फिर 4 पर है। टोटल कितनी मिथाइल हैं आपके पास, 5 मिथाइल हैं। तो ये हो जाएगा पेंटा मिथाइल, पेंटा मिथाइल। और क्योंकि साइक्लिक पार्ट है तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे साइक्लोवर्ड, साइक्लो, और चार कार्बन है तो यहां पर आ जाएगा ब्यूटेन। बोलिए समझ में आ गया एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसके साथ मैच करते हैं तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं है, यहां पर ये ऑप्शन भी नहीं है, यहां पर ये ऑप्शन भी नहीं है साइक्लो वाला, और यहां पर ये भी नहीं, मतलब यहां पर चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही ना दिए हों, तो वहां पर आपको ज्यादा घबराना नहीं है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट तरीके से वो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए, करेक्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट इन 2, 3 ब्यूटेन डाइपोल। आपसे यहां पर स्टीरियो आइसोमर की बात की जा रही है, किसकी, 2, 3 ब्यूटेन डाइपोल। अगर इसका हम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा COH, यहाँ पर COH, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दो कायरल सेंटर नजर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बना दूं तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। CH3 यहां पर, OH, H यहां पर, OH, H और यहां पर CH3। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मैं इसका मिरर इमेज भी बना दूं तो यहां पर हो जाएगा OH, H, यहां पर हो जाएगा OH, H और यहां पर CH3। ऐसे ही ये पहला आप यहाँ पर इसको फर्स्ट कर दो, यहाँ पर आप इसको सेकंड कर दो। एक और पॉसिबिलिटी हो जाएगी CH3 OH
एच ओ एच एच, यहाँ पर सी एस थ्री, इसका थर्ड हो जाएगा। ऐसे ही एक कर दो यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर ओ एच एच ओ एच एच सी एच थ्री, और यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर इन चारों को ही देखता हूँ तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ से आप इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो, और दो कायरल सेंटर हैं और उसमें 70 एलिमेंट मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड कहते हैं। और जरा अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, जब आप इसकी मिरर इमेज ले रहे होगे, मिरर इमेज ले रहे होगे, तो ये दोनों ही कंपाउंड आपको आइडेंटिकल नजर आएंगे, आइडेंटिकल नजर आएंगे। इसका मतलब इसकी तो कोई बात ही नहीं है, यदि दोनों कंपाउंड ये आइडेंटिकल है तो यहाँ पर इसकी कोई बात ही नहीं हो रही होगी। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हाँ, ये इसकी मिरर इमेज जरूर होगी। मतलब अगर एक आर है तो दूसरा एस कॉन्फिगरेशन होगा, मतलब यहाँ से आपको एक पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिल रहा होगा, यहाँ से आपको एनेंशियोमर मिल रहा होगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? दो यहाँ से आ गए, एक यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा थ्री। आप इसको फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो मैंने आपको सिखाया था, वैसे ऐसे भी इस तरीके से हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से सावधानी से अटेम्प्ट करना था। क्लियर है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 78। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? CH2 is, आपको CH2 के बारे में बताना है। तो आपने अगर पहले इस तरीके से देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बाकी सब की बात कर लेते हैं एक बार। यदि आपके पास यहाँ पर CH4 है और CH4 से यदि आप एक H हटाते हो तो यहाँ पर CH3 खाली वैलेंसी आ जाती है, इसको हम कहते हैं मिथाइल। क्लियर है? अगर आप यहाँ से यूं कह सकते हो H- अगर हट जाए, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक तरीके से दिया हो तो यहाँ पर CH3+ आ जाएगा, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोनियम। और जहां तक कार्बन की बात, आप सबको पता है। और अगर यहां से CH4 सिर्फ CH2 और इस तरीके से रह जाए तो इसको हम कहते हैं कार्बिन। ठीक है, ये तो मैंने एक जनरल रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास CH2 आ जाएगी वो बात यहां पर आपके पास कार्बिन से रिलेटेड आ जाएगी, बाकी ऑप्शंस यहां पर आपके पास इस तरीके से गलत हो जाएंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 78। तो अभी तक तीन क्वेश्चन हमने किए, बहुत ही आसान से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आपको तरीका समझ में आ चुका होगा, जिसमें सबसे पहला IUPAC नेमिंग हमने देखा, वहां पर ऑप्शन नहीं दिया था भी, हमने उसको ट्राई किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टीरियोआइसोमर्स रिलेटेड था, फिर हमारे पास ये वाला सवाल आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं तो यह नेक्स्ट सवाल क्या है? मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। अगर आपने BSc वगैरह में रिएक्शंस वगैरह पढ़ी होंगी तो एक तरीके से अगर मैं बताऊं, मेलोनिल यूरिया इसी को हम बारबिट्यूरिक एसिड कहते हैं। मेलोनिल यूरिया को ही हम बारबिट्यूरिक एसिड कहते हैं। और इसमें आपको यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी होता है, हो सकता क्या होता ही है। तो यही फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा बारबिट्यूरिक एसिड का। समझ में आ गया? अब अगर मैं इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात कर लूँ, इसका स्ट्रक्चर भी सरल होता है, कुछ इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसका ये वाला पार्ट। यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हो, CH2 C double bond O NH, C double bond O NH, C double bond O। अब आप इसमें गिन लो किस तरीके से क्या होने वाला है। बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो यहां पर चार तो क्या हो गए? कार्बन। ऑक्सीजन कितने आपको दिख रहे हैं? ऑक्सीजन एक, दो,
तीन, तो तीन तो हो गए ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं? दो। और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? दो, और दो चार। तो देखो यही फॉर्मूला आपके पास यहां पर निकल के आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है? थायोफिन इस। तो यार ये जितने भी दिए हैं बहुत सरल है। देखो अगर मैं लाइन से बता दूं, ये जो होता है ये आपके पास होता है फ्यूरिन, वहीं पर ये जो होता है ये होता है आपके पास थायोफिन, वहीं पर ये जो होता है ये होता है आपके पास पायरोल, वहीं पर ये जो होता है ये आपके पास होता है पिरिडीन। पायरोल, ये तो कुछ हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो आपको ध्यान से देखना है। ऐसे ही यहां पर इसको हम आइसोक्विनोलिन नहीं क्विनोलिन कहते हैं। ये जो होता है ये होता है आइसोक्विनोलिन, वहीं पर ये जो होता है ये आपके पास होता है इंडोल। तो ये कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इनके अलावा और भी कुछ इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है आपको नाम के बेसिस पर। तो क्या हो जाएगा इसमें थायोफिन में? देखो आपको सिर्फ यहाँ पर हेट्रो एटम पर नजर डालना है। देखो एक तो ऐसे यहाँ है और एक ऐसे यहाँ है, तो ये दोनों तो कट गए। अब अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो यहां पर देख लो कितने कार्बन हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार। तो दिस इज द करेक्ट आंसर और ये हो जाएगा गलत। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट वाले में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।